थे मेयो लिंक रोड, जो कि मुख्य मार्ग है जहाँ पर 3-4 स्कूलें हैं इस्तेमाल करते हैं। बरसात के दिनों में यहाँ कम से कम 7-8 इंच के खड्डे हो जाते हैं, जिससे ये विश्वास का न्योता है। आपका सोना कहीं से भी खरीदा गया हो, आपके पुराने सोने का सबसे अच्छा मोल जहां मिले, इस सफर पर हम और आप हर कदम साथ चलेंगे। ये तनिष्क का न्योता है, ये टाटा का भरोसा है। जैसा कि आज हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए थे मेयो लिंक रोड, जो कि मुख्य मार्ग है जहां पर 3-4 स्कूलें हैं, ईस्ट पॉइंट स्कूल, मेयो कॉलेज स्कूल और अन्य स्कूल जहां पे छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। साथ ही वो मुख्य मार्ग है जहां पर कोटा तक बसें जाती है, जोन्सगंज से लेकर आदर्श नगर तक, यहाँ डोलाबाटा कॉलोनी, बुज धरती, सभी लोग वह मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। बरसात के दिनों में यहाँ कम से कम 7-8 इंच के खड्डे हो जाते हैं, जिससे कई महिलाएं गिर जाती है। बरसात के दिनों में आप देखेंगे वहाँ पर घुटनों तक पानी होता, पैदल चलना तो मुश्किल की बहुत मुश्किल है, वहाँ पे आप टू व्हीलर लेके नहीं निकल सकते हो, और इस तरह से खड्डे हो गए। तो आज हम कलेक्टर महोदय के पास ये निवेदन करने आए कि वह मेयो कॉलेज पावर हाउस से मेयो कॉलेज गेट तक सीमेंट की रोड बनाने का कार्य करें। अभी क्या स्थिति हो रही है भैया? अभी रोड के अंदर 6-7 इंच के खड्डे हैं, बड़े बड़े जगह जगह पर पानी भरा हुआ है। बरसात नहीं होने पर भी अभी भी वहाँ पानी भरा हुआ है, आम लोगों पैदल नहीं निकल सकता, और निकलते हैं तो किसी की कीचड़ हो जाता है, कोई गिर जाता है, कई महिलाएं गिर चुकी, कई बच्चे गिर चुके हैं। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना होगा, मेरा यही निवेदन है। मेरा नाम रोहित सोगरा। आज हम क्लेट साहब को कई विषयों पर ज्ञापन देना है। पहला विषय है मेयो कॉलेज डोलाबाटा, मेयो कॉलेज स्कूल है, उसके स्कूल के पीछे रोड काफ़ी क्षतिग्रस्त है, काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं। PW द्वारा हर साल वहाँ पेचों का कार्य किया जाता है, लेकिन वहाँ बारिश के कारण डामर सड़क रुकती नहीं है। इसलिए कलेक्टर साहब को ये निवेदन करना है वहाँ सीमेंट का सड़क बनाए। और हमारा दूसरा, किस तरह का डर रहता है वहाँ? बड़ी बड़ी बसें ट्रक सामान से भरे निकलते हैं और काफ़ी दुर्घटना हो सकती है वहाँ। क्या स्थिति बनी हुई है अभी? जैसा अभी आप अभी रोड से निकल कर आ रहे हैं और आसपास में कई अभी बिना बारिश के ही वहाँ पानी भरा हुआ है और काफ़ी गड्ढे हैं। अच्छा, जब बारिश आती है तब क्या होता है? वहाँ घुटनों तक पानी भर जाता है, वहाँ पैदल तो निकल नहीं सकते। क्या हाईवे रोड कहलाती है? जी हाँ, नसीदाबाद से हाईवे। मैं वार्ड पार्षद 47 कुसुम का सोगरा।